अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के बाद क्या रुकेगा संघर्ष विराम, या रूस के साथ भारत लेगा तालिबान के खत्म के लिए एंट्री, कौन बनेगा अफगानिस्तान का मददगार, या अफगानिस्तान हो जाएगा तबाह। भारत और रूस के एक साथ आने से तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान भी होगा कमजोर, नजर आएगा मोदी की विदेश नीति का एक नया रूप, साथ ही दिखेगा विदेश सचिव से विदेश मंत्री बने एस जयशंकर की कूटनीति का सही उपयोग। मोदी के मैजिक से अफगानिस्तान को मिल सकती है राहत, एशिया में बच सकता है भारत का डंका। क्या यही से सुपर पावर तो नहीं बन जाएगा भारत, जिसकी 2014 से लगातार की जा रही थी चर्चा। एशिया में मोदी की बाकी देशों को मजबूत करने की पहल के रूप में देखा जा सकता है अफगानिस्तान का सहयोग। इसी सहयोग को देखने के बाद अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान के सहयोग की तैयारी में, 20 साल तक अफगानिस्तान में डेरा जमाने के बाद क्या है अमेरिका के पीछे हटने की वजह, कहीं जो बाइडेन कोई नए विदेश नीति बनाने की तैयारी में तो नहीं। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही एक बार फिर से देश में तालिबान और अफगानिस्तान सेना के बीच खूनी जंग शुरू हो गई है। तालिबान और अफगान सैनिकों के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। इस गृह युद्ध को रोकने के लिए ईरान के बाद अब रूस ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। माना जा रहा है कि तालिबान नेता रूस पहुंचकर पुतिन प्रशासन को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो रूस और मध्य एशिया में उसके सहयोगियों का कोई खतरा नहीं होगा। अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों पर तालिबान तेजी से कब्जा कर रहा है। अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर दुनिया के कई देश चिंतित है, जिसमें भारत और रूस भी शामिल है। रूस ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारत के अहम हित है और नई दिल्ली को तय करना है कि युद्धग्रस्त देश में उसे किस सीमा तक अपनी भागीदारी बढ़ानी है। रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुस्किन और राजदूत निकोलाय कुदाशेव ने कहा है कि भारत और रूस दोनों ही संबंधित पक्षों की प्रतिबद्धताओं पर आधारित अंतर अफगान वार्ता का समर्थन करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य की अफगान सरकार समावेशी हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुँचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाए और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। रोमन बाबुस्किन ने कहा कि तालिबान को वैधता हासिल करने के लिए आतंकवाद और अन्य संबंधित मुद्दों से निपटना होगा। अफगानिस्तान में जो स्थिति पैदा हो रही है उसका कोई सन्न समाधान नहीं है। अफगानिस्तान को स्वतंत्र, संप्रभु, एकजुट और लोकतांत्रिक देश बनाने में अफगानिस्तान का समर्थन करना बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिमी देशों के सैनिकों की तेजी से वापसी शुरू होने के बाद क्षेत्रीय प्रयास और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ शंघाई सहयोग संगठन में एक्शन प्लान तैयार किए जाने के सवाल पर बाबुस्किन ने कहा कि SCO आम सहमति के सिद्धांत के तहत कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने को लेकर रूस और भारत दोनों ही एक ही नजरिए से सोचते हैं। पिछले महीने SCO की बैठक में संबोधन के दौरान डोभाल ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुटों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से निपटने के लिए SCO द्वारा एक एक्शन प्लान तैयार करने का आह्वान किया था। काबुलोव ने तालिबान से कहा कि वे खुद को अपने देश की सीमा के बाहर पैर पसारने से रोके। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें तालिबान से आश्वासन मिला है कि वे मध्य एशियाई देशों की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। साथ ही अफगानिस्तान में विदेशी राजनयिकों तथा उनके वहाँ वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। तालिबान का यह आश्वासन ऐसे समय पर आया है जब सैकड़ों की तादाद में अफगान सैनिक तालिबान के हमले से बचने के लिए पड़ोसी देश ताजिकिस्तान सीमा में चले गए थे। इसके बाद रूस के सहयोगी देश ताजिकिस्तान ने अपने 20,000 रिजर्व सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया था। ताजिकिस्तान में ही रूस का सैन्य अड्डा भी है। रूसी अधिकारियों को भय है कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में स्थित पूर्व सोवियत संघ के देशों में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसी खतरे को देखते हुए अब रूस ने तालिबान और अफगान सरकार के बीच सुलह कराने के लिए मोर्चा संभाला है।
उधर तालिबान का कहना है कि वे सत्ता पर एकाधिकार नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अफगानिस्तान में तब तक शांति नहीं होगी जब तक कि काबुल में एक नई बातचीत वाली सरकार नहीं बन जाती और मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी को हटा नहीं दिया जाता। न्यूज एजेंसी एपी से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह बात कही है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही तालिबान अफगानिस्तान में तेजी से कब्जा करता जा रहा है। तालिबान ने कई स्ट्रेटेजिक बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है और कई प्रदेशों की राजधानी पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जल्दी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा संभव है। सुहेल शाहीन ने एपी से बातचीत में कहा है कि जब काबुल में संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को स्वीकार जो सरकार स्थापित हो जाएगी और गनी की सरकार चली जाएगी तो तालिबान अपने हथियार डाल देगा। शाहीन ने गनी पर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है। कहा कि 2019 में चुनाव में गनी ने बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करके सत्ता हथियाई थी। चुनाव नतीजे के बाद गनी और अब्दुल्ला दोनों ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। बाद में समझौता हुई और अब्दुल्ला सरकार में नंबर दो है। तालिबान के इस बयान से एक चीज तो साफ है कि भारत और रूस के हस्तक्षेप के बाद यदि तालिबान इस पर संघर्ष विराम लगाता है तो गनी सरकार का जाना है। इस पूरे मामले में भारत की भूमिका सबसे अहम नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पड़ोसियों को एक साथ लेकर चलने का जो वादा किया है, उसमें ये संघर्ष विराम कहीं ना कहीं भारत को और मजबूत करता नजर आता है। साथ ही गनी सरकार के जाने पर यदि तालिबान युद्ध विराम कर देता है तो इससे अफगानिस्तान में एक बार पुनः शांति स्थापित हो जाएगी और वहाँ रह रहे बाशिंदों को एक नया जीवन मिल जाएगा और एशिया में भारत सुपर पावर वाली मजबूती के साथ एक बार पुनः सबका हौसला बांधते हुए खड़ा नजर आएगा। आतंकियों का दोस्तों बारह जिला केंद्रों पर कब्जा। वही समाचार एजेंसी IINS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मान लिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ रहा है। युद्ध प्रभावित इस देश का आधा हिस्सा इस आतंकी संगठन के कब्जे में आ चुका है। अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने कहा कि अफगानिस्तान के कुल 419 जिलों का केंद्र में से 212 पर अब तालिबान का कब्जा है। अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के बाद से ही तालिबान रणनीतिक तौर पर मजबूत होता जा रहा है। सरकार लोगों और सुरक्षा बलों की परीक्षा। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले ने बुधवार को पेंटागन में पत्रकार से बातचीत में कहा, इस समय अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ गई है, हम स्थिति की समीक्षा करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर भरोसा जताया कि अफगान बलों में देश को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराने की क्षमता है। मार्क ने कहा, अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर यहाँ की सरकार लोगों और सुरक्षा बलों की परीक्षा होने जा रही है। बढ़ गया संघर्ष। मार्क ने बताया कि अभी तक तालिबान आतंकियों का अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से किसी पर कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन वे तकरीबन आधी राजधानियों पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच अफगान सुरक्षा बल राष्ट्रीय राजधानी काबुल समेत प्रमुख शहरों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। इस देश से अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के बाद से अफगान बलों और तालिबान के बीच संघर्ष बढ़ गया है। 95% अमेरिकी बलों की हो चुकी वापसी। अफगानिस्तान में 20 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अब अमेरिकी बल इस देश को छोड़ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 95% से ज्यादा बलों की स्वदेशी वापसी हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका का अफगान मिशन 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। जबरन धन जमा कर रहे आतंकी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अफगानिस्तान के वखला प्रांत में तालिबान आतंकी लोगों से जबरन धन वसूल रहे हैं। वे अपने संगठन में लोगों को जबरन भर्ती भी कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि आतंकी उन इलाकों में ऐसा कर रहे हैं जहां उनका नियंत्रण है। ताजिकिस्तान का बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास। समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से सटे ताजिकिस्तान में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते दबदबे और इस देश से अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन वालों की वापसी के बीच सुरक्षा को लेकर अब जो हालात में यह सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। ताजिकिस्तान में गुरुवार को हुए सैन्य अभ्यास में करीब 230,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। यह इस देश का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह से अपने भारत कायम कर रहा है और क्षेत्र पर एकाधिकार जमा रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जाने लगा है कि अगले 5 से 6 महीनों में उसका इस देश पर नियंत्रण हो जाएगा। आपने जिस प्रकार से हमारे हौसले को बढ़ाया है, उसके बदौलत ही हम रोज आपके लिए राष्ट्रहित की वीडियो लाया करते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आने वाले समय में पाकिस्तान पर तहरीक या तालिबान का शासन हो जाएगा या नहीं। आप सभी का राय जानने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जल्द मिलते हैं एक और देशभक्ति से भरपूर जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।